मोहसिन अली से मोहसिन मिल्लत तक। मोहसिन नाम रखते हुए वालदैन के वहमो गुमान में भी ना था कि यह बच्चा अपनी ज़िंदगी में बजा तौर पर मोहसिन मिल्लत का लकब पाएगा। मोहसिन मिल्लत ने 1940 में मौलाना हुसैन जान के इल्मी घराने में आंख खोली। इब्तदाई तालीम अपने वालिद बुजुर्गवार के साये अतूफत में हासिल की। 14 साल की उम्र में शफ़क़त पिदरी से महरूम हो गए। हाथ से किताब छिन गई और सारा वक्त पहाड़ों पर बकरियों की देखभाल में गुजरने लगा। शाम का वक्त था जब इस कमसिन यतीम ने बहुत बड़ा फ़ैसला किया। यकायक नंगे पैर गांव की तरफ भागना शुरू कर दिया। घर आमद पर वालिदा हैरान हुई, सीने से लगाकर पूछा, मोहसिन क्यों वापस आए? माँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आलिमा माँ ने बच्चे के अज़्म को देखा तो फौरन हामी भरी। बना लेता है मौजे खूने दिल से एक चमन अपना, वो पाबंदे कफस जो फितरतन आज़ाद होता है। सुबह होते ही मोहसिन ने गांव छोड़ा और दरिया के उस पार गांव में मौजूद आलिम दीन सैयद अहमद शाह मूसवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। यूं हसूल इल्म के लिए हिजरतों का सिलसिला शुरू हुआ। दामन झटक के वादिये गम से गुजर गया, उठ उठ के देखती रही गर्दे सफ़र मुझे। 1963 में मजीद तालीम के लिए बल्तिस्तान को खैरबाद कहना पड़ा। ये आपकी दूसरी हिजरत थी। अजीम मंजिलों के इस बाहिम्मत मुसाफिर की अगली मंजिल मौलाना समर हसन जैदी अल्लाह मकामहू के मदरसा मशारेउल उलूम हैदराबाद ठहरी। वहाँ से आला तालीम की ख्वाहिश ने इन्हें दारुल उलूम जाफरिया खुशाब में मौलाना मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह आफ सिद्दूपुरा की खिदमत में पहुँचाया और बाद अज़ां जामियतुल मुंतज़र लाहौर में मौलाना हुसैन बख्श जाड़ा रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना सैयद सफ़दर हुसैन नजफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुज़ुर्ग उलमा के सामने ज़ानुए तलम्मुस तह किया। इल्म मारिफत के नए उफुक की तलाश थी कि इश्क अली अलैहिस्सलाम की रोशनी ने नजफ़ुल अशरफ की राह दिखाई। सन 1966 में शहर इल्म व इज्तिहाद नजफ़ुल अशरफ में वारिद हुए। ये तीसरी और सबसे बाबरकत हिजरत थी। गो आबलें हैं पाँव में लेकिन ए राह रो, मंजिल की जस्तजू है तो जारी सफ़र रहे। दरे मौलाए मुत्तकियान पर पहुँचने के चंद ही महीने बाद अन्नहजुस्सवी फ़ी मानल मौला वल वली जैसी अजीम किताब लिख दी, जिसे इस मौजू पर सबसे पहली और बेहतरीन किताब होने का एज़ाज़ हासिल है। मारूफ मुहक्किक और अज़रिया के मुसन्निफ आयतुल्लाह आगा बुज़ुर्ग तहरानी ने इस किताब पर यूं तकरीज लिखी। इस किताब में अल्फाज की रवानी, मानी की मतानत, कलम की सफाई और आदाब का ख्याल जैसी सिफात का मुशाहिदा किया तो मेरी बसारत की कमज़ोरी और बदन की नकाहत इस किताब के मुताले से मुझे ना रोक सकी। मैं खुदावंद मुताल से इस फाजिल मुसन्निफ के लिए बेहतरीन अजर का तलबगार हूँ। आपने मरजाए जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अबुल क़ासिम अल-खुई क़ुद्दसा सिर्रोह और आयतुल्लाहुल उज़्मा शहीद मोहम्मद बाक़िरुस सदर क़ुद्दसा सिर्रोह जैसे नाबग़ाए रोज़गार असातज़ा के दरस ख़ारिज में शिरकत से अपनी इल्मी तशनगी को बुझाने का सामान किया। वतन वापसी का इरादा फरमाया तो आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अल-खुई क़ुद्दसा सिर्रोह ने आपको ना सिर्फ पाकिस्तान में अपना वकील मुतलक़ बनाया बल्कि बाद अज़ां दुनिया भर में दीनी खदमात के लिए कायम अल-खुई फाउंडेशन के बानी ट्रस्टी भी मुकर्रर फरमाया। 1975 में जामे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का संगे बुनियाद रखने के लिए आयतुल्लाह खुई क़ुद्दसा सिर्रोह के खुसूसी हुक्म पर आपके फरजंद आयतुल्लाह सैयद जमाल खुई रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। जामे अहले बैत वो बाबरकत दरसगाह है कि जो मोहसिन मिल्लत की तमाम तर तालीमी, तबलीगी, समाजी और मिल्ली खदमात की बुनियाद बनी। 34 दीनी मदारिस पर मुश्तमिल मदारिस अहले बैत आपकी इन्हीं मुखलिसाना मेहनतों का समर है। मदारिस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से फारिगु तहसील मोहसिन मिल्लत के हज़ारों शागिर्द आज पाकिस्तान और बैरून मुल्क
تبلیغ و ترویج دین میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ 1992 میں خوئی فاؤنڈیشن کے پہلے جنرل سیکرٹری آیت اللہ سید محمد تقی الخوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جامعۃ الکوثر کی بنیاد رکھی۔ محسن ملت کے ویژن اور محنت سے آج جامعۃ الکوثر کو عالمی سطح پر حوزہائے علمیہ کے درمیان نمایاں مقام حاصل ہے، جہاں درس خارج کی تعلیم بھی مل رہی ہے۔ مختصر عرصے میں الکوثر نے سینکڑوں کی تعداد میں محققین، مدرسین، مبلغین، مختلف اداروں کے منتظمین اور خطباء، جبکہ عصری تعلیم میں 17 پی ایچ ڈیز اور 100 سے زائد ایم فل اسکالرز ملک و قوم کی خدمت میں پیش کیے۔ بجا طور پر الکوثر دینی اور عصری تعلیم کا حسین امتزاج ہے۔ جدید تعلیم کے لیے آپ نے اسوہ ایجوکیشن سسٹم کی شکل میں ایک جامع نظام دیا، جو کہ اس وقت 75 سے زائد اسکولوں اور کالجوں کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے، جن میں ایک تہائی سے فیڈرل بورڈ میں ٹاپ پوزیشن کا حامل اسوہ کالج اسلام آباد بھی شامل ہے۔ اسوہ ایجوکیشن سسٹم میں اس وقت 25,000 طالب علم زیر تعلیم ہیں، جبکہ 50,000 سے زائد یہاں کے فارغ التحصیل زندگی کے مختلف شعبوں میں ملک و قوم کی بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں۔ الکوثر کالج فار ویمن کیمبرج یونیورسٹی سے الحاق شدہ عالمی معیار کا ادارہ ہے، جو کنیزان زہرا کی تعلیم و تربیت کے مشن کو جدید تقاضوں کے مطابق آگے بڑھا رہا ہے۔ محسن ملت کی تبلیغی خدمات میں ملک بھر میں آئمہ مساجد اور مستقل مبلغین کی امداد و سرپرستی، محرم الحرام اور سفر میں پاکستان کے 250 سے زائد مقامات پر عشرہ مجالس کا اہتمام، پاکستان میں ایام فاطمیہ کا احیاء، جناب سیدہ کی سیرت اور جناب سیدہ کے فرامین اور ان کی فضیلت کس بات پر ہے، کس کس بنیاد کے اوپر جناب سیدہ کو یہ مقام ملا ہے، یہ صرف بنت رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، ان کے اپنے ذاتی کردار کی وجہ سے ہے، اور ذاتی کردار کی عظمت کی علامت یہ ہے کہ خود سرور کائنات آپ کے آمد کے موقع پر کھڑے ہو کر کے احترام کرتے تھے۔ جس ہستی، جس ذات کی سرور کائنات احترام کرے، وہ بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں، ان کے کردار کی وجہ۔ تعلیمات اہل بیت علیہم السلام کی ترویج کے لیے اطبات عالیات کے تعاون سے الغدیر، فاطمہ سبیل نجات اور نسیم کربلا جیسے مختلف انٹرنیشنل فیسٹیولز کے ذریعے معاشرے کو ثقلین سے متمسک کرنے کا اہتمام، سالانہ ملک بھر میں 100 سے زائد مقامات پر دین شناسی کورسز، اور سالانہ کئی شہروں میں 50 کے قریب فہم دین سمپوزیمز، اتحاد بین المسلمین کے لیے علماء اسلام کانفرنس بطور مثال دیکھے جا سکتے ہیں۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کو بہترین انداز میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے ترجمہ قرآن کریم بلاغ القرآن، تفسیر قرآن، مقدمہ تفسیر، جامعۃ الکوثر میں شعبہ علوم قرآنی، حفظ قرآن کے 6 باقاعدہ مدارس اور سینکڑوں قرآن سینٹرز، گزشتہ 18 سال سے شب و روز نشر محاسن کلام اہل بیت علیہم السلام میں مصروف عمل، بر صغیر کا پہلا سیٹلائٹ چینل ہادی ٹی وی، دنیا بھر سے قرآن و عقائد اور احکام سیکھنے کے خواہش مند مومنین و مومنات کے لیے آئے ہادی، دیگر مکاتب فکر تک پیغام اہل بیت علیہم السلام اچھے انداز میں پہنچانے کے لیے بلاغ المبین اور مجلہ الکوثر، جدید علوم کے لیے ایچ ای سی سے منظور شدہ مجلہ اسوہ، آئمہ مساجد کے لیے علمی مواد کی مسلسل فراہمی کے لیے رسالات.com، مسئلہ الحاد پر تحقیق اور شبہات کے جواب کے لیے مؤسسہ رد الحاد، خطبہ کی تربیت کے لیے مدرسہ واعظین، جبکہ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں معارف اہل بیت علیہم السلام کو معاشرے تک پہنچانے کے لیے مختلف ایپس جیسے تفسیر الکوثر، بلاغ القرآن، نہج البلاغہ، عقائد اور اسلامی تعلیمات محسن ملت کی تبلیغی خدمات کا حصہ ہیں۔ سیرت اہل بیت پر گامزن اس عاشق اہل بیت نے
समाजी खदमात के मैदान में गरीबों की मदद और गुरबत के खात्मे का बेमिसाल मंसूबा मदीना अहले बैत कौम को दिया, जो कि 240 कनाल पर मुहीत 378 घरों पर मुश्तमिल रिहायशी कॉलोनी है, जहां इस वक्त 2645 अफराद रिहायश के साथ खाना, तालीम और सेहत की मुफ्त सहूलियात हासिल कर रहे हैं। जिलजिला और सैलाब से मुतासरीन के लिए 14,000 घरों की तामीर, मुल्क के तूल और अर्ज में 1,000 से जायद मसाजिद की तामीर, इस्लामाबाद, कश्मीर, केपीके और चकवाल में यतीम खानों की तामीर, इसी तरह ज़रूरतमंदों तक पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए 1200 मकामात पर वाटर प्रोजेक्ट्स, जबकि सेहत के शोबे में पिंड दादन खान, खैरपुर सिंध, चिनियोट, इस्लामाबाद और स्कर्दू में मजमूआन 300 बेड्स के हस्पताल तामीर फरमाए। सालाना हज़ारों मरीजों, मोहताजों और नादारों की माली मदद, कौमी मसाइल के हल में मरकजी और पायदाना किरदार, मुख्तलिफ मिल्ली तंजीमों की सरपरस्ती मोहसिन मिल्लत के मिल्ली खदमात में नुमायां हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मोहसिन मिल्लत का एक तेरीना ख्वाब, जो आपकी दूरंदेशी और बसीरत की जीती जागती तस्वीर है। इस तकदीर साज तालीमी मंसूबे का 2023 में आपके दस्त मुबारक से आगाज हुआ और बहुत तेज़ी के साथ तरक्याती काम जारी है। मोहसिन मिल्लत अगरचे इस मंसूबे को मुकम्मल होने से पहले ही निदाए इलाही पर लब्बैक फरमा गए, मगर इसकी तकमील और तालीमी निज़ाम समेत हर मामले पर रहनुमाई का अहतमाम फरमा गए हैं। वतन अज़ीज़ में इल्मी और फ़िक्री सतह को बुलंद करने का जो ख्वाब मोहसिन मिल्लत ने देखा और जिसकी ताबीर के लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ कर दी, पाकिस्तान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तकमील इंशाअल्लाह इसकी नहायत खूबसूरत और पाकीज़ा ताबीर है। 84 साल की उम्र बाबरकत गुजार कर मैयमत यरनी फरमाने वाले अपने मौला की ज़ियारत के लिए मुतमइन नफ्स के साथ 9 जनवरी 2024 को राहिए दारे बका हुए और हज़ारों सोगवारों की मौजूदगी में जामियातुल कौसर में सुपुर्दे लहत हुए। मौत आई है कि तस्कीन की साथ आई, सांस टूटी है कि सदियों की थकन टूटी है। खुदा की ज़ात पर कामिल यकीन, मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम खुसूसन सैयदतु निसाइल आलमीन सलामुल्लाह अलैहा से बेपनाह मोहब्बत, तवक्कुल अलल्लाह, इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत, शरीयत इलाही की पासदारी, सीरत अहल बैत की पैरवी और एहसास मसूलियत जैसी पाकीज़ा सिफात के साफ शफाफ चश्मों से सैराब आपकी खदमात का ये तनावर दरख्त इंशाअल्लाह यूं ही फलता फूलता रहेगा।